नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह के लिए किस पर प्रतिबंध लगाकर एस्मा लागू कर दिया है? ए शराबबंदी, बी हड़ताल, सी दहेज प्रथा या डी बाल विवाह? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में दिखा देशव्यापी हड़ताल का असर। करोड़ों कामगारों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन भागलपुर की ओर से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बैनर तले सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वहीं हड़ताल में बैंक कर्मी के अलावा कई मजदूर संगठन के लोग भी शामिल थे। सफल करो, सफल करो, सफल करो, दुनिया के मजदूरों एक हो। आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों, जिसमें कि 45 श्रम कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड लाया है उसके वापसी के लिए और रोजगार के सृजन के लिए यह आम हड़ताल है। केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को औने पौने भाव में बेचती चली जा रही, देश की संपदा को बेचती चली जा रही है, रोजगार के अवसर घटते चले जा रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के कि इन जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको समाप्त करें, इसको लेकर के आम हड़ताल है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूर शामिल होंगे। आपको कितना मतलब इस बंदी का समर्थन मिल रहा है? बाजार बंद है? बाजार बंद हम लोगों ने नहीं कराया है। बाजार में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो हमारे साथ हैं और तमाम प्रकार के मजदूर इस हड़ताल में शामिल। क्या ये आगे भी ये आंदोलन चलेगा? जब तक के मालिक पक्षी कानून रहेगा और उसे मजदूर पक्षी नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह हड़ताल हमारा आगे भी आंदोलन का रूप लेता रहेगा। आंदोलन हम आगे भी करेंगे। परिचय दे दीजिए। सुधीर शर्मा, एटक महासचिव, जिला भागलपुर। सरकार ने जो मजदूर विरोधी बिल पास किया है उसके और किसान विरोधी बिल पास किया है उसके खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल और बाम मोर्चा का साथी सड़क पर उतर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल है। कितना समर्थन है आपको? हम लोग का व्यापक समर्थन पूरे देश में आज हड़ताल है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर के पीरपैंती में लगी भीषण आग, आग की चपेट में 50 घर सहित जलकर करोड़ों की संपत्ति हुई खाक। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के श्रीमतपुर गोपीचक में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे 50 घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि श्रीमतपुर गोपालीचक के पैक्स अध्यक्ष राम नारायण यादव के घर में अचानक आग लग गई थी। आग इतना तेज था कि आग के चपेट में करीब 50 घर आ गया और आग की चपेट में खाने पीने का सामान सहित करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं काफी समय के बाद पहुंचे दमकल की गाड़ियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि राम नारायण यादव अपनी माँ के श्राद्ध कर्म में स्वपरिवार के साथ पैतृक गाँव गए हुए थे। घटनास्थल के जगह पर कोई कार्यक्रम भी नहीं था और उनके घर पर अचानक आग कैसे लग गया यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। श्री राम नारायण यादव के यहाँ ये किस तरह लगा ये आग? जो है ये अपने माँ के श्राद्ध कार्यक्रम में थे लोग और यहाँ पे किस तरह आग लगा ये तो अब हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन घर से देखा गया कि वहाँ पे पता चला कि बहुत आग लग गया है जबरदस्त। कितने घर जले होंगे यहाँ पे? लमसम 50 घर जले।
लमसम 50 घर जले हैं, 50 से और पूरे संपत्ति जल गए हैं, अनाज पानी गहना जेवर कपड़ा लत्ता जो भी था करोड़ों का क्षति है। दमकल आई थी यहाँ पे? दमकल आई बाद में आई, बहुत अथी करने के बाद दमकल आई, ऐसा नहीं कि दमकल नहीं आई, आई लेकिन आग को काबू नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए पूरा घर जल गया। ये कहाँ पे आता है, कौन सा गांव पड़ता है? ये सिरमतपुर बांसा कहा जाता है, बांसा बोलता है, ये बांसा है और बांसा पे ये घटना हुआ, अब बहुत बड़ा क्षति हुआ। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लोगों का असहाय लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुआ है, उस क्षति का पूर्ति होना चाहिए। सरकार से हम यही ना कह पाएंगे, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। भागलपुर पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने से चूके परीक्षार्थी ने किया जमकर हंगामा। भागलपुर में शारदा झुंझुनवाला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने आए परीक्षार्थी ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान परीक्षार्थी ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्रवेश पत्र में कुछ कागजातों के मूल कॉपी लाने के लिए कोई निर्देश नहीं था। वहीं परीक्षा केंद्र में छाया प्रति के आधार पर पहले प्रवेश करवा दिया गया, इसके पश्चात करीब एक घंटा बाद उन लोगों को मूल कॉपी नहीं होने के कारण बाहर कर दिया गया। वहीं परीक्षा से वंचित होने पर नाराज परीक्षार्थी जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलने पहुंचे। परीक्षार्थी ने बताया कि पहले ये लोग स्थानीय थाना गए हुए थे, लेकिन वहां से इन लोगों को जिलाधिकारी के पास भेजा गया। परीक्षार्थी ने जिलाधिकारी से मिलकर मामले की शिकायत करने की बात कही है। क्या चीज का परीक्षा था, क्या पूरा टेक्निक एग्जाम देने गए थे? कहाँ सेंटर पर था ये? शारदा झुंझुनवाला आदर्श कॉलेज। क्या हुआ बताओ? तो हम लोग गए सारे 9 बजे गेट के पास से अंदर घुस, डेढ़ घंटा हम लोग को क्लासरूम में बैठाया गया, उसके बाद ये बोल के निकाल दिया गया, एक सिंपल दे इसको कि ओरिजिनल आधार कार्ड लाओ, ये फोटो कॉपी नहीं चलेगा। तो सब को 11 बजे हम लोग को निकाल दिया गया। तो हम लोग फिर कैसे कैसे करके 11 बजे तक गेट के पास पहुँच गए ओरिजिनल आधार कार्ड लेके, बट फिर भी हम लोग को एंट्री नहीं मिला। बोला कि आप लोग का टाइम हो गया, एंट्री नहीं मिलेगा। अभी कहाँ आई हुई हो? अभी हम सर के पास आए हुए, उसके पास एप्लीकेशन लिख के आए, क्योंकि थाना गए, थाना गए तो थाना से हम लोग को यहाँ भेजा गया है। क्या नाम है? मधु कुमारी। हम लोग गए अंदर, हम लोगों को निकाल दिया, पहले बैठा लिया गया चेक करके भी, और इस एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना है। हम लोगों ने जीरोक्स लाया, लेकिन पहले हम लोगों का एंट्री ले लिया गया, फिर डेढ़ घंटे हम लोगों का टाइम वेस्ट करवा के लास्ट मोमेंट में बोला गया कि तुम लोगों को ओरिजिनल लेके आना होगा। तो 10 मिनट का रिलीफ दिया जाना चाहिए या नहीं? तो हम लोग रिलीफ के लिए 11 बजे तक सेंटर में पहुँच गए, बट फिर भी गेट नहीं खोला गया। और हम लोग जब बोलने लगे, रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने सर से, तो सर ने ऑफिस का गेट लॉक कर लिया। कहाँ से आई हो? हम कहलगांव डिस्ट्रिक्ट, कहलगांव साइड से आए हुए हैं। क्या चीज़ का एग्जाम था? पॉलिटेक्निक का एग्जाम था। नाम बताओ। सताप छिस्त्री। वो हम जोड़ लेंगे। भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय संविधान दिवस के मौके पर भागलपुर के कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज अरविंद पांडे के निर्देश पर कोर्ट परिसर में न्यायालय कर्मियों को संविधान के मूल उद्देश्यों को बताया गया एवं इसकी रक्षा को लेकर शपथ भी दिलाया गया। निश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण को व्यक्त करने के लिए माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के मार्गदर्शन में उनके आदेशानुसार हम लोगों ने ये आयोजन किया था। प्रस्तावना जो संविधान का सार होता है उसको हम लोगों ने साथ में मिलकर पढ़ा, ताकि जो भारतीय संविधान है इसके प्रति हम लोग सजग रहें, प्रतिबद्ध रहें और अपने देश का सम्मान करें। आप सभी से भी ये निवेदन है कि आज के इस दिवस का, हम लोग बहुत सारे दिवसों का पालन करते हैं, ये ऐसा दिन है जो कि सारे भारत के नागरिकों के लिए एक समान है, एक जैसा है। तो भारतीय संविधान की
सम्मान बढ़ाने के लिए आज इस दिवस का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से किया गया। धन्यवाद। नवगछिया, कोरोना के बीच खुले कॉलेज, नियमों की खूब उड़ रही है धज्जियां। कोरोना एक बार फिर से तेजी से बिहार में फैल रहा है। प्रतिदिन हजारों कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बिहार में विश्वविद्यालय के कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। नवगछिया के मदन लीला महिला महाविद्यालय में कोरोना से बेपरवाह व्यवस्था है। मदन लीला कॉलेज में इंटर की प्रवेश परीक्षा के साथ स्नातक में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कॉलेज आई छात्राओं से लेकर अधिकांश शिक्षक तक बिना मास्क के थे। वहीं बताते चलें कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के मद्देनजर कॉलेज में कक्षाओं में पढ़ाई तो शुरू हो गई है, कॉलेज कक्षा में सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। कक्षा करने आ रही छात्राएं एक बेंच पर 3 से अधिक बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। मदन अहिल्या की कक्षा में अधिकांश छात्राएं बिना मास्क के ही दिखी, साथ ही कॉलेज परिसर में शिक्षक भी बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। वहीं पूछे जाने पर मदन अहिल्या महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कुमारी सुदामा यादव कहती हैं कि कोरोना के बीच कॉलेज में परीक्षा व एडमिशन कार्य चल रहा है। कॉलेज आ रही छात्राओं को मास्क पहनने को कहती हैं, लेकिन इसके बाद भी छात्राएं कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं कर रही हैं। कक्षा शुरू होने से पहले सैनिटाइज का काम किया गया है। कॉलेज के शिक्षकों को मास्क पहनने का सख्त निर्देश दिया गया है, साथ ही मास्क पहनकर कॉलेज आने की अपील छात्राओं से की गई है। आते भी हैं, चूंकि अभी लीजर पीरियड है, बच्ची सब अब रूम में बैठी होगी, परीक्षा 2 बजे शुरू है, प्रैक्टिकल चल रहा है, तो बच्ची इसीलिए वहाँ टीचर नहीं है। अधिकांश शिक्षक तो मास्क लगाए ही नहीं। नहीं नहीं, टीचर मास्क लगाते हैं। मेरे पास हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि मास्क है, फोटो है। आप संजोग है कि आपने किसी एक को देख लिया, लेकिन सारे टीचर हमारे मास्क लगाएंगे। ग्राउंड में भी जितनी भी छात्राएं बैठी है, एक भी मास्क नहीं लगाई है, और देखते हैं कि एक बेंच पे 5 से 6 बच्चियां बैठी हैं। अभी तो बच्ची सब, हम खुद अभी राउंड से आए हैं, सबको देखे। देखिए, आप बता रहे हैं, मैं इधर कैमरा दिखाना चाहता हूं कि देखिए ग्राउंड में अभी भी छात्राएं बैठी है। गेट पर भी हम डाल के रखे, नोटिस पे नहीं होता है ना। आज गार्ड को भी निर्देश है कि आप अगर लगवा देते हैं, जैसे अंदर वो जाते हैं ऐसे खोल देते हैं, फिर चली जाते हैं। क्यों? इसका मतलब कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल का कमी है, क्योंकि छात्रा लोग मास्क नहीं लगाती है। हाँ, ये बात तो सही, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है कोरोना का। हाँ, बात तो सही है। सर, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क तो आपने पहना ही नहीं है। दूरी पर हम लोग हैं, पहनना चाहिए। पहन लेते हैं। कब पहनेंगे? अभी तो पहन लेते हैं। ढोलबज्जा, मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ ने 13 सूत्री मांग को लेकर राष्ट्रीय आम हड़ताल पर निकाला जुलूस। मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ ने गुरुवार को नवगछिया में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय हड़ताल कर जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व कर रहे CPI कार्यकर्ताओं के साथ अंचल मंत्री सीताराम राय ने नवगछिया के रुंगटा हाईस्कूल से स्टेशन गोलम्बर होते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचकर आम सभा का आयोजन भी किया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। नवगछिया संविधान दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय नवगछिया में सभा का आयोजन।
संविधान दिवस के मौके पर नौगछिया अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में गुरुवार को व्यवहार न्यायालय नौगछिया के प्रांगण में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवहार न्यायालय नौगछिया के न्यायिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी ने हिस्सा लिया। संविधान सभा में संविधान की उद्देशिका की शपथ ली गई। इस अवसर पर ADJ 3 अमिताभ चौधरी द्वारा सभा में उपस्थित लोगों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई गई। नवगछिया कंबल के दुकान में सामान की चोरी करते रंगे हाथ धराए। नवगछिया थाना क्षेत्र के 330 माइल के पास स्थित कंबल की दुकान में सामान चोरी करते समय चोर को दुकानदार ने रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े गए चोर को दुकानदार ने पुलिस को सौंप दिया है। इस बाबत यूपी के रायपुर निवासी पीड़ित दुकानदार ने नवगछिया थाने में दो चोरों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए अपने आवेदन में पीड़ित दुकानदार ने बताया कि बुधवार की देर रात उनके कंबल के दुकान में दो लड़के चोरी कर रहे थे। आहट होने पर जब वे जगे तो देखे कि पीछे का ठाट काट कर एक चोर अंदर दुकान में घुसकर चोरी कर रहा है, जबकि दूसरा बाहर में खड़ा होकर रेकी कर रहा था। दुकानदार ने दुकान के अंदर चोरी कर रहे चोर को रंगे हाथ दबोच लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। हो हल्ला होने पर दुकानदार सहित कई स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और पकड़े गए चोर को नौगछिया पुलिस को सौंप दिया। वहीं बताते चलें कि पकड़े गए चोर की पहचान नौगछिया थाना क्षेत्र के 33 वार्ड संख्या 4 निवासी दिलखुश मंडल पिता श्री मंडल एवं विकास पासवान के रूप में की गई है। फरार चोरों की गिरफ्तारी के लिए नवगछिया पुलिस छापेमारी कर रही है। नवगछिया में पुत्र और बहू द्वारा जान माने की नियत से मारपीट करने का लगाया आरोप। नवगछिया थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी एवं नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में सेविका के पद पर कार्यरत मनोरमा देवी ने अपने दो पुत्रों एवं उनकी पत्नी पर पैसे नहीं देने पर जान मारने की नियत से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए अपने आवेदन में पीड़ित मनोरमा देवी ने बताया कि उनके दो पुत्र टुनटुन ततमा और उनकी पत्नी पिंकी देवी रिंकी देवी पति शेखर ततमा ने मिलकर मारपीट करते हुए कहा कि तुम सारा रुपये अपने बेटी को दे देते हो, 12 लाख रुपया दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। वहीं नौगछिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोषियों के ऊपर समुचित कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा धरना आज। राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के आह्वान पर नौगछिया में अखिल भारतीय किसान महासभा शुक्रवार को धरना देगी। किसान महासभा के महासचिव बिंदेश्वरी मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय नौगछिया के परिसर में नवगछिया अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा अनुमंडल कार्यालय में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक धरना दिया जाएगा। उन्होंने किसान बिल की निंदा करते हुए किसानों के लिए इसे विरोधी बताया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।